हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किस्मत और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज की रेसिपी है भिंडी दो प्याजा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण सामग्री पर नज़र डाल देते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। भिंडी को मैंने पहले से ही धो के अच्छे से पोंछ के फिर मैंने उसको काटा है। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, फिर हम भिंडी डालेंगे। भिंडी को हमें हल्के हाथों से चलाना है और हल्के हाथ इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। भिंडी आपस में चिपके नहीं, इसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें नींबू का रस मिलाया हुआ है। आप चाहें तो मिलाएं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। भिंडी को बीच बीच में चलाते रहना ताकि ये चिपके नहीं। और भिंडी भूनते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट तक का हो गया, तो हम भिंडी निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल के इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। प्याज जब हल्का गुलाबी हो जाएगा तो प्याज को हम निकाल लेंगे। अब हमारा प्याज भून चुका है, प्याज देखिए हल्का गुलाबी दिख रहा है, तो इस प्याज को हम निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने फिर से थोड़ा तेल और डाला है। अब इसमें जीरा, हींग, मिर्च और कटी हुई प्याज डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। गैस को हमको मीडियम फ्लेम पे रखना है और बीच बीच में चलाते हुए प्याज को हमको भून लेना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हमें ऐसी धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। ये अब भून चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है। टमाटर भून जाने के बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये सब डाल के हम इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आप इसमें कटे हुए टमाटर की जगह टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मसाला चिपके नहीं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। जैसे कि देखा, मसाला हमारा पक चुका है और हमने जो सब्ज़ी फ्राई करके रखी थी भिंडी और प्याज, वो अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्के हाथों से मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो भिंडी हमारी इसी में टूट जाएगी। इसको और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच के बराबर कलौंजी मसाला लिया हुआ है। अब इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। कलौंजी मसाले से इसका और चटपटा स्वाद आएगा। आप एक बार इसको इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। अब फिर से ढक्कन हटा के मैंने इसको चलाया। इसको बीच बीच में चलाते रहना ताकि भिंडी और प्याज नीचे नहीं चिपके। मैंने इसको फिर से ढक दिया है। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया। अब हमारी भिंडी तो प्याजा तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने भिंडी और प्याज पहले से ही तल के रखा हुआ था, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लास्ट में अब मैंने इसमें कटी हुई धनिया के पत्ते डाल दिए, तो हमारा भिंडी तो प्याजा तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। धन्यवाद।